आप सब आई होप अच्छे होंगे और हेलो एंड वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नई वीडियो में भी। तो आज फिर से अपन आ चुके हैं उतई और यहाँ पर आ चुके हैं अपन मुकेश सोनी मूर्ति कला केंद्र। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया का एक बार और मूर्ति दिखाओ करके ऐसे करके मैंने बहुत फ़ोन किया भैया को। भैया बता रहे थे कि इस बार बहुत ज़्यादा काम लेट चल रहा है, इसके वजह से अभी भी जो पुट्टी का काम रहता है ना, जो वाइट वाला जो लगता है मूर्ति में, वो अभी तक नहीं लगा है। अभी भी जो है भैया का मट्टी का और छोटा जो मूर्ति है उनमें काम चल रहा है। बाकी आप सबको दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी मूर्ति बना रहे हैं इस बार। और लगभग मैं आप सबको बता दूँ, भैया के पास पूरा दुर्ग का ऑर्डर है और कम से कम 2-3 मूर्ति होगा जो रायपुर का है। तो ले कर चलते हैं अंदर मूर्ति कला केंद्र में और आप सबको दिखाएंगे गणेश जी की मूर्ति, जो काफ़ी विशाल विशाल प्रतिमा है। और देखते भैया से भी बात करेंगे, अंदर चलते हैं और यहाँ से आप शुरुआत करेंगे जो है मूर्ति कला केंद्र का। तो शुरुआत होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखा दिया भैया का, ये है जो है एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और धूप आज तेज है, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश हो रहा था, उस कारण हालत बहुत ख़राब हो गया था। और ये देख सकते हो यहाँ से जो है शुरुआत हो जाता है गणेश जी की मूर्ति का। और ये है काफ़ी छोटी सी, इसके साथ फोटो वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से जो है गणेश जी की प्रतिमा बन रही है। ये फोटो है इसी के मुताबिक। और ये यहाँ पर देख सकते हो सब छोटा सा जो है गणेश जी का मूर्ति है, काफ़ी प्यारा लगेगा। ये जब बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर मूर्ति का जो कार्य है वो चल रहा है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी गणेश जी का मूर्ति काफ़ी सही वाला, ये देख सकते हो इस तरफ काफ़ी सही लग रहा है। और इस तरफ देखेंगे तो जो है बड़ी बड़ी मूर्ति जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पे बैगलम साहब अपने अपने काम में व्यस्त है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लगभग आज 16 तारीख हो गया है। और इस तरफ से लेके चलते हैं आप सबको, जो है बड़ी मूर्ति उसको आग के द्वारा सुखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है पंखा चल रहा है और इस तरफ जो है आग के द्वारा सुखाया जा रहा है पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलग अलग जो है वो रहता है कार्य जिससे जो है सुखाया जाता है। और ये काफ़ी विशाल मूर्ति है, लगभग अगर मैं अनुमानित कराऊँ तो 10 फीट के आसपास की हुई है। 10 फीट की हुई ना भैया, ये 8 फीट के ना। तो ये कहाँ के? दुर्ग में। कहाँ? दुर्ग में गंजपाड़ा। गंजपाड़ा। अभी तो ऑर्डर लेना सब बंद हो गए ना। और दुर्गा माता के चालू? दुर्गा माता के ऑर्डर बंद हो गए वो भी? अरे इतना जल्दी? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर। तो लगभग सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ के हुई इस बार? दुर्ग इसेगा। तो मतलब रायपुर से माता के ऑर्डर नहीं आए थे? आया है, ये तो मैं दुर्गा आया। तो जैसे अभी ये मतलब जैसे ऑर्डर अगर आई तो अभी ले लूँ कि नहीं लो? फिर नहीं ले पाऊंगे, नहीं ले पाऊंगे कि अभी जो है ऑर्डर बंद हो चुका है। बाकी आप सबको दिखाते हैं जो बड़ी बड़ी विशाल विशाल जो है मूर्ति बनी हुई है गणेश जी की, काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलती है। और इस तरफ से देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहना। टूटी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंड स्थल मद मस्तक झूले शिशि बिहारी। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन।
देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति दर्शन मात्रे मन